15 साल से बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने में वक्त लगेगा, कहा ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने। रीवा में बुधवार का दिन गोलीबारी के लिए जाना गया। इस दिन व्यापारी और छात्र पर गोली चली। व्यापारी संगठन ने जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक सवाल के जवाब में भाजपा के पिछले 15 साल के कार्यकाल की बिगड़ी व्यवस्था सुधारने में वक्त लगने की बात कही। देखिए, वारदात तो पहले भी होती रही है और बहुत सालों की जो अव्यवस्था है, थोड़ा ठीक होने में समय तो लगेगा। हम लोगों ने IG SP को निर्देशित किया है और हमने स्वयं भी बात की है कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, और जो लोग भी इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि समाज में इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद है, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटना होने से कहीं ना कहीं समाज में एक भय का वातावरण पैदा होता है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी और जो भी अपराध हुए, कई अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नाम आए, क्या लगता है बदनाम करने की साजिश तो नहीं है कुछ? देखिए, हमारे जो सम्मानित पत्रकार साथी हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के और जो हमारे विभाग के सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो अगर किसी मामले को चिन्हित करते हैं तो किसी न किसी तथ्य के आधार पे ही चिन्हित करते हैं, ना कि किसी के कहने पे। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी, हमारी सरकार कभी भी इस तरह का काम नहीं किया है कि किसी को बदनाम करने के लिए किसी के पार्टी या किसी दल के ऊपर आरोप लगाए जाए। ये तो स्वयं ही साबित हो जाता है। कई जगह जो हमारे मालवा रीजन में भी जो घटना हुई थी, निवाड़ मालवा में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आए हैं। आपके चित्रकूट वाले मैटर में भी बजरंग दल के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस 15 साल के पिछले कार्यकाल में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को प्रलोभन मिला है, बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हम लोग बहुत जल्दी ही इस पर काबू पाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि शांति का टापू था मध्य प्रदेश, अपराधियों का गढ़ बन चुका है। यही आपके रीवा में कई घटनाएं हुई हैं, सरेआम चौराहे पे घटनाएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, तब किसकी सरकार थी? हमारा शिवराज सिंह चौहान से सवाल है कि जब 15 साल में कहीं अखबोड़वा कांड हुआ, तो कहीं बड़े बड़े घोटाले हुए, कई जगह जो है ना आपका किसानों के ऊपर गोली बरसा दी गई और प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं, पुलिस वालों का कोई उसमें रोल नहीं है, बाद में फिर वही लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, हाँ गलती हुई है, पुलिस के लोगों से ही गोलियां चली है, तो उनका खुद ही कंट्रोल नहीं था। पिछली सरकार का सरकार प्रशासन पे कोई कंट्रोल था ही नहीं और आम जनता पूरे भयभीत हो गई थी, तभी तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। सुधार होगा, थोड़ा समय दीजिए।